हद होती है, पड़ी रहो यहीं पे। वो चला गया इमल के पास। आपका क्या ख्याल है, मैंने रोका नहीं होगा उसे? एक जरा सा लड़का तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा? जरा सा लड़का नहीं है वो, पक्का इमल का आशिक है। पता नहीं मुझसे शादी के लिए कैसे मान गया, मैं तो हैरान हूँ इस बात पर। जरूर खाला ने कोई तावीज डाले होंगे उस पर। अरे दफा करो बाजी को, लेकिन अगर तुम उसे इस तरह ढील देती रहोगी ना, तो वो कहीं तुम्हें छोड़ ना दे, खुदा ना खौस्ता। ऐसे कैसे छोड़ देगा, कोई भाग कर तो आई नहीं हूं मैं उसकी जिंदगी में, निकाह किया उसने मुझसे। और हमें प्लीज आप तो ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालें। उसने जिस वजह से तुमसे निकाह किया था ना, वो वजह एमल पूरी कर रही है। अब क्या होगा आगे, सुना नहीं था बाजी कल क्या कह रही थी? मुझे डर है कि कहीं एमल उसे मजबूर ना कर दे कि वो तुम्हें छोड़ दे। उफ़ अम्मी, एक ही बात आप मुंह से बार बार निकाली जा रही है। अल्लाह अल्लाह करके मेरी शादी हुई है उससे, आप जाए ना जाकर खाला से बात करें इस बारे में। मैं तो इन लोगों के तेवर देख के ही परेशान हो गई। एमल ने खुशखबरी क्या सुना दी, उनका तो रवैया ही बदल गया। शहरियार अलग एमल के पीछे भाग रहा है। इतनी मुश्किल से तुम इस घर की बहू बनी हो, अभी तो सिर्फ हक मेहर की रकम हाथ आई है, अभी तो बहुत कुछ वसूल करना है इनसे हमने। इससे पहले ना शहरियार हाथ से नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा।